हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस की हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं, आज हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसमें से पहला 11वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यदि 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। पहला ऑप्शन है 500 मीटर, दूसरा है 600, तीसरा है 750 और चौथा है 900 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखो, दिया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों क्या है, बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से रेलगाड़ी चले है ना, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये मुझे मीटर में निकालनी है। तो कल बताया था कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस पे आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई अपनी स्पीड। ठीक है, यानी एक सेकंड में तय की गई दूरी वो कितनी है, 25 किलोमीटर। एक सेकंड में तय की गई दूरी 25 किलोमीटर है, तो एक मिनट में तय की गई दूरी, एक मिनट में तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी, 25 × 60 यानी 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया, सॉरी मीटर 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 ये आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, अब देखो 1500 मीटर आ गया। अब टोटल क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है बराबर है, तो टोटल लेंथ क्या होगी, 2 × लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1500 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना जाएगा, 1500/2 यानी 750 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है, पहला ऑप्शन है 80 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 90 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 मीटर और चौथा ऑप्शन है 150 मीटर। सॉल्यूशन देखो, रेलगाड़ी की लंबाई, माना हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो माना रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एक्स है, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर में है। ठीक है, तो देखो 800 मीटर प्लस x मीटर कितना सेकंड है, 100 सेकंड। ठीक है, तो यानी कि दोनों की जो लंबाई है ना वो बराबर कर देंगे अपन। ठीक है ना, d स्पीड दोनों की, s1 इज इक्वल टू s2, दोनों की स्पीड बराबर कर देंगे, s1 इज इक्वल टू s2 और इसकी क्या जाएगी, 400 प्लस x अपॉन 60। ठीक है, जब रेलगाड़ी चलती है तो वो पुल को भी पार करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3, तो क्या आ गया, 800 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 400 प्लस x अपॉन 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2400 प्लस 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2000 प्लस 5x। ठीक है, तो आ जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 2400 माइनस 2000, देखा 2x इज इक्वल टू 400,
इज इक्वल टू 200, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है, बस मैं डिजिट चेंज कर लिए है। ये क्वेश्चन एमडीएस में आ चुका है दो बार, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में लिया है। पहला क्वेश्चन है 152 मीटर, दूसरा क्वेश्चन है 125 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 250 मीटर और चौथा क्वेश्चन है 120 मीटर। देखो सॉल्यूशन, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो यहां से स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 कितना हो जाएगा, 500 प्लस x बटे 100, 250 प्लस x अपॉन 60, आ जाएगा 5 और आ जाएगा 5 और आ जाएगा 3, इसको काट लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 3x, 1500 प्लस 3x बराबर यह आ जाएगा 1250 प्लस 5x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 250, यानी x इज इक्वल टू 125 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती है, उनको मिलने से पहले दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 444, दूसरा ऑप्शन है 496 और तीसरा ऑप्शन है 333, चौथा ऑप्शन है 540। देखो सॉल्यूशन, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है, ठीक है। माना ये दो रेलगाड़ियां यूं चल रही हैं, ठीक है, पहली चल रही है 16 मील प्रति घंटा, ठीक है, और ये चल रही है 21 मील प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो, उनको मिलने से पहले दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। अब जैसे ही दोनों मिलती है तो उससे पहले ही दूसरी जो रेलगाड़ी है वो पहली वाली से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 21:16:21, ये लेट से ए और ये बी, 16:21, ठीक है। तो देखो दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे कितनी चल चुकी है, 5, और 5 की वैल्यू 60, यानी 1 की वैल्यू 12, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, 16 प्लस 21 है ना, ये टोटल दूरी हो गई इंटू 12, ठीक है, 16 प्लस 21 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 444, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो आदमी खड़े हुए हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 60 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 80 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 85 मिनट और चौथा ऑप्शन है 90 मिनट। तो देखो सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कितनी है यानी लेंथ कितनी है, 1200 मीटर, ठीक है, पुल की, यदि वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी,
जुड़ जाएंगे। तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम क्या होता है, दूरी बटे चार, दूरी कितनी है 1200 बटे 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1200 बटे 15 यानी कि 80 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 16, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 105 मीटर तथा 90 मीटर है विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 किलोमीटर आवर तथा 32 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय होगा। पहला ऑप्शन है 8 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 6 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 7 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 5 सेकंड। देखो सॉल्यूशन, डिस्टेंस यानी लंबाई दे रखी है 105 मीटर और वो दोनों विपरीत दिशा में चलती है, एक यूं चलती है और दूसरी यूं, 45 किलोमीटर प्रति आवर की और ये रफ्तार से और ये 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। तो हमें निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 105, ठीक है, ये हमें निकालनी है सेकंड में और ये है डिस्टेंस दे रखी किलोमीटर प्रति आवर में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 72 प्लस 45 और इंटू 5 बटा 18 जो कि हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, कितना हो जाएगा ये सॉरी 105 प्लस 90 क्योंकि दोनों की लंबाई है ना, रेलगाड़ी की लंबाई है तो टोटल होगा, तो हो जाएगा 195 इंटू 18 117 इंटू 5, ठीक है, ये कट जाएगा 3 6 18 और ये 3 से कट जाएगा 39, ये कट जाएगा 5 से, ये 3 से कट जाएगा 3 3 9 और ये आ जाएगा 39, ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास 6 सेकंड, है ना, यानी ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 17, दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है, एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चले तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, पहला ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा ऑप्शन है 45 किलोमीटर प्रति आवर, तीसरा ऑप्शन है 35 किलोमीटर प्रति आवर और चौथा ऑप्शन है 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखो सॉल्यूशन, ये है ट्रेन ए और ये है बी, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई पहले दिन और अगले दिन वापस आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो वो पूछ रहा है अगर आपको इसकी चाल दे रखी हो, है ना, इसकी चाल दे रखी है लेट से एक्स, तो इसकी चाल पूछेगा या तो, है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू रूट टी टू अपॉन टी वन, ठीक है, तो अब हमें दे रखा है एस वन का मान दे रखा है 45 बटा एस टू का मान माना एक्स, ठीक है, टी टू निकाल लेंगे, टी टू यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट 3 आवर और 20 मिनट ये टी टू का मान है, तो इसको क्या लिख लेंगे 3 × 20/60 यानी 1/3 यानी 3 × 1/3 तो आ जाएगा 10/3 और टी वन का मान दे रखा है अपन को 4 आवर और 48 मिनट 4 घंटे 48 मिनट तो आ जाएगा 4 × 48/60 12 × 48 12 × 60 तो यह आ जाएगा 4 × 5 यह आ जाएगा 24/5 तो जाएगा 45/x इक्वल टू 10 × 5 = 24 × 3 ठीक है ये कट जाएगा 5 और यह जाएगा 12 45/x = 25/36
पैतालीस बटा एक्स बराबर पांच बटा छह, या देखो पांच नाम पैतालीस, एक्स बराबर चौवन किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर 18, दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब एक दूसरे से मिलती है उस स्थान तक दूरी दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर प्रति 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच कुल दूरी बताइए। देखो सॉल्यूशन, ए और बी यह है 50 और यह है 60, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि जब वे एक दूसरे से मिलती है तो उस समय स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाले की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। कि कितनी कर रही है, 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, यानी 1 की वैल्यू 12। तो ये तो है स्पीड, है ना, ये स्पीड है, और टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ये जाएगा 60:50, तो भी यही आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T टाइम, यानी जो चाल होती है वो समानुपाती होती है किसके, व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी, मतलब एक टी के, ठीक है, यानी एक की वैल्यू 12। टोटल हमें निकालनी है कितनी दूरी कितनी है, तो स्पीड कितनी है 110, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी है 110 इंटू 12, यानी 1320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति हावर और 2 किलोमीटर प्रति हावर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2 किलोमीटर। तो सॉल्यूशन, ठीक है, हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाएं हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, यानी कि 10 किलोमीटर ये इसकी स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति हावर और 36 किलोमीटर प्रति हावर की गति से समांतर लाइनों पर चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 किलोमीटर 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 72 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 80 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 82 मीटर और चौथा ऑप्शन है 50 मीटर। तो सॉल्यूशन, माना ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है, एक्स है, एक्स मीटर है, ठीक है, दोनों दो ट्रेन है, इसमें दो ट्रेन चल रही है, एक ही तरफ चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये भी सेम और ये भी सेम डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। लेट से ये एक और ये बी, तो हो जाएगी एस बी माइनस एस ए और एस ए माइनस एस बी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 36, इनकी स्पीड घट जाएगी, तो 46 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। तो देखो टोटल लंबाई पूछ रहा है प्रत्येक की, तो टोटल लंबाई कितनी है दोनों की, 2x बराबर, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या होता है, s इंटू टी, तो टोटल लंबाई 2x, डिस्टेंस स्पीड कितनी होगी, 10 इंटू 5 बटा 18, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है, ये किलोमीटर प्रति आवर में, इंटू 36, या जाएगा 18 दूना 36, 2x बराबर 100, तो x बराबर 50 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। आज हमने 11 से लेके 20 तक की क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में
डाउट आएगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।